गाइज, ये लिंगराज टेम्पल है और ये यहाँ का जो इतिहास है वो ये है कि ये सबसे पुराना टेम्पल है उड़ीसा का। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना है। सो वी आर अबाउट टू रीच खंडागिरी एंड उदयगिरी, तो उसके बीच में आपको एक बेकरी टाइप का मिलेगा, तो वहाँ पे रबड़ी लस्सी, तो वो जरूर ट्राई। हे गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज डे 5 ऑफ आवर चार धाम यात्रा ऑन टू व्हील्स श्री जगन्नाथ पुरी, और मैं अभी पे पुरी में ही हूँ और ये हम लोग का डे 5 है आज। आप व्यू देखो मेरे होटल से, मस्त वाला व्यू हो रहा है और वेदर भी ठीक ठाक है और आज तो अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है, तो विच इज़ गुड। सो गाइज, आज का ये जो प्लान है ये है कि आज हम लोग कोणार्क सन टेम्पल का प्लान कर रहे हैं जाने का, और पुरी से कोणार्क सन टेम्पल है 55 किलोमीटर के अप्रॉक्स। फिर वहाँ से हम लोग एक दो जगह और जाने का सोच रहे हैं, जैसे कि एक वहाँ पे चंद्रभागा बीच है नियर बाय, विच इज़ 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम कोणार्क सन टेम्पल। उसके बाद में कुछ टेम्पल्स हैं तो हम लोग देख लेंगे कि मतलब सारे टेम्पल्स तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे जो इस लिस्ट में दिए हुए हैं कल, जो मैंने आपको ये लिस्ट बताया था वीडियो में। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ आते हो, पुरी, भुवनेश्वर, तो ये सारे जगह मिक्स्ड हैं, तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ 4-5 टेम्पल हैं जो कि नियर बाय रहेंगे जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं, सारे टेम्पल्स कवर नहीं हो पाएंगे बट हम लोग ट्राई करेंगे कि एक दो टेम्पल तो ज़रूर जाएं। और यहाँ पे जो मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है वो है एक चिलिका लेक, तो चिलिका लेक में जो डॉल्फिन शो वगैरह मतलब दिखाते हैं, डॉल्फिन पॉइंट में एक बोट से लेकर जाते हैं, तो वो एक वॉच वाली लोकेशन है, तो हम लोग उसको कल के लिए रखा है क्योंकि यहाँ से कोणार्क सन टेम्पल अपोजिट डायरेक्शन में है और जो चिलिका लेक है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब आपको या तो कोणार्क सन टेम्पल जाना पड़ेगा विच इज़ 55 किलोमीटर जाना, 55 किलोमीटर आना 110, और यहाँ से अगर आप चिलिका लेक जाते हो तो आपको वो 110 सिर्फ जाना, 189 आना, तो दोनों जगह नहीं हो सकता एक साथ क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आप इन दोनों जगह को जाना चाहते हो तो दोनों दो सेपरेट दिन रखिए, एक दिन आप कोणार्क सन टेम्पल और जो आसपास की जगह है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल, चंद्रभागा बीच और कुछ टेम्पल्स हैं जो कि आपको इस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा, तो वो आप एक दिन का प्लान बना लो, और दूसरे दिन चिलिका लेक तो आप वो दूसरे दिन कर सकते हो। सो ऐसा कुछ हमने सोच के रखा है, तो बस अभी रेडी होना है, बाइक हम दोनों लेकर जाने वाले हैं क्योंकि एक बाइक से फिर यार थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम सोच रहे हैं कि दोनों बाइक लेके जाते हैं, और लगेज में सिर्फ हम लोग टैंक बैग मेरा लेके जाने वाला मैं कैरी कर रहा हूँ और गणेश का भी उसमें सामान सारा रख लूँगा, और बस ये है, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद रेडी होने के बाद में। सो गाइज, वी आर ऑल सेट एंड वी आर स्टार्टिंग फॉर कोणार्क, और कोणार्क यहाँ से 38 किलोमीटर्स है, 55 नहीं है, 55 मिनट्स लगेगा आपको पहुँचने के लिए, सो 38 किलोमीटर्स है। अभी हम लोग जैकेट वगैरह नहीं पहन के जा रहे, ना मैंने जैकेट पहना है ना राइडिंग पैंट पहना है क्योंकि थोड़े पास में ही है, और फिर उसको राइडिंग पैंट और जैकेट के साथ में उसको कैरी करना, घूमना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हेलमेट रखा है, एक टैंक बैग रखा है, और हम लोग नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स में ही जा रहे हैं।
ताकि कुछ हेडेक ना रहे यार वो सब संभालने का, जैकेट और पैंट। प्लान में चेंज है, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। अभी हम लोग कोणार्क टेम्पल नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर साइड। भुवनेश्वर में जो लिंगराज टेम्पल और उदयगिरी केव्स है, दो तीन स्पॉट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम लोग वो कवर करेंगे पहले, और उसके बाद में कोणार्क टेम्पल और फिर जो चंद्रभागा बीच है, क्योंकि चंद्रभागा बीच इज़ फेमस फॉर सनसेट, तो हम लोग को सनसेट वहाँ चंद्रभागा बीच पे देखना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले भुवनेश्वर साइड जाएंगे और फिर रिटर्न के टाइम पे चंद्रभागा होते हुए वापस से पुरी। फिर शाम को जो भी प्लान रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो अभी हम लोग को ब्रेकफास्ट भी करना है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आज होटल में ही ना करें ब्रेकफास्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं खाने को यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो चलते हैं, मिलता हूँ मैं आपको एक्शन कैम मोड में। चलो भाई ऑल सेट। गणेश की गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, बंद हो रही है बार बार, तो हुआ तो उसको भी दिखाना पड़ेगा एक बार। चलो जय श्री राम, जय बजरंग बली। ता इतना हल्का फुल्का लग रहा है ना, नो जैकेट नो पैंट, बट दिस इज़ नॉट सेफ। बट ठीक है, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं आज, इसलिए आज हाथ पूरे टैन होने वाले हैं क्योंकि धूप बहुत तेज है। बार बार बंद हो रही है यार इसकी गाड़ी। फोटो इधर आगे। चलो भाई ऑल सेट, फोटोज वगैरह ले ली। मुझे कुछ ऐसी फोटोज चाहिए थी, तो मैंने गणेश को बोला था ऐसी फोटोज मुझे चाहिए। आज हम लोग एक और बीच कवर करने वाले हैं, चंद्रभागा। तो आज जो भी भुवनेश्वर साइड की जो मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, तो वो हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें उदयगिरी केव्स, लिंगराज टेंपल, मुक्तेश्वर टेंपल, तो ये सब कुछ जगह हैं जो मस्ट विजिट प्लेसेस में से आती हैं, तो वो लोग हम आज कवर करने वाले हैं एज मच एज पॉसिबल, जो भी पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हम लोग को 4 बजे तक कोणार्क टेंपल आना है। कोणार्क टेंपल पे मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा, उसके बाद में 5 बजे से मतलब सनसेट का रहता है, तो हम लोग को रिटर्न भी करना है चंद्रभागा बीच पे, मतलब 5 बजे 5:30 बजे तक मैक्सिमम हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग चंद्रभागा पे हों, ताकि सनसेट का व्यू देख पाएँ और आपको दिखा पाएँ। आपको यहाँ लाइन से होटल्स दिख जाएंगे, तो मैं बोलता हूँ आप ऑनलाइन कभी बुक मत करो। अगर आपको यहाँ पे ये चाहिए ना, इस जगह पे जो बीच फिशिंग होटल्स होते हैं, तो आप यहाँ पे खुद आओ, देखो होटल्स, बात करो। जैसे आप ये देखो कितना मस्त होटल है, ठीक है, एनआरएस रॉयल पैलेस, मस्त लग रहा है यार, एक नंबर। तो ऐसे होटल्स में आके आप अपना पता करो और फिर उसके बाद में आप बुक करो। और यहाँ पे जो मतलब रूल है वो ये है कि आपको चेकआउट सुबह 7 बजे वो करवा ही लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेन आती हैं पूरी में वो 7 बजे तक आती हैं, इसकी 7 या 6 बजे ऐसे कुछ आती हैं, तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट होते हैं वो जल्दी चेक इन करते हैं, अर्ली चेक इन करते हैं, इसलिए आपको जब वो ये जल्दी चेकआउट करवाते हैं अगले दिन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप हमेशा याद रखो जब भी आप आ रहे हो यहाँ पे, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके आओ। भुवनेश्वर के लिए हमने यहाँ से राइट लिया, क्योंकि आगे का उन लोगों ने रोड बना रहे हैं शायद, इसलिए बंद करके रखा है। भुवनेश्वर दिखा रहा है अभी 60 किलोमीटर 1 hour 13 minutes। भुवनेश्वर यहाँ से 67 किलोमीटर दिख रहा है मैप में, 60 दिख रहा है, पिपली 38, साखी गोपाल 23, ब्रह्मगिरी 23, सतपड़ा 50। हम लोगों को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि गोवा घूमने आए हैं और गोवा में नहीं, हम लोग जब घूमने निकलते हैं तो टी शर्ट और पैंट मस्त जीन्स में निकलते हैं और बाइक लेके, तो वही वाला पूरा फीलिंग आ रहा है। और वेदर भी ऑलमोस्ट यार जैसे गोवा में होता है ना, ह्यूमिड टाइप का हल्का सा और धूप, तो उसी टाइप का सेम यहाँ पे वेदर है, पूरा गोवा का वो दे रहा फील। एक अच्छे ढाबे की तलाश आज भी जारी है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप तो दिख रहा है हमको, पेट्रोल पंप डलवा सकते हैं यू टर्न लेके।
बट ब्रेकफास्ट करना है यार, कुछ मिल जाए अच्छा। बट यहाँ पे चाय बिस्किट और ये सब मिलता है यार, और कुछ नहीं, जो भी ठीक ठाक सा दिखेगा बस खा लेंगे। यहाँ पे मुझे जो एक प्रॉब्लम लगा ना वो ये कि ढाबे मतलब को अच्छे मिले ही नहीं, मतलब खाने में के ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। चाय बिस्किट चिप्स ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह के मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर नाश्ता वाश्ता वाले बहुत कम दिख रहे हैं यार। तो यहाँ पे हमको पूरी भाजी मिल रही थी, अच्छा था, डिसेंट था, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं बट अच्छा मिल गया। और यहाँ पे बस स्टॉप भी है, तो अगर आई थिंक यहाँ से बस कनेक्टिविटी आपको ऑलमोस्ट सारी जगह की मिल जाएगी। तो रेलवे स्टेशन और ये जो बस स्टॉप है ये एकदम आसपास ही है। कितना है दिखा रहा है, 102 फुल कर दो भैया। एमपी के बाहर हम लोग को सारी जगह पेट्रोल सस्ता ही लग रहा है, मतलब एमपी में तो 110 111 ऐसे हो रखा है, और यहाँ भुवनेश्वर उड़ीसा यहाँ पे 102 103 ऐसे हम लोग को मुझे मिल रहा है, मतलब तो ऐसा लग रहा है सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा लगता है फुल टैंक ही कराओ भाई। चलो सो गरुड़ का पेट भर दिया है हमने, और हमने अपना पेट तो भर ही चुके थे, अब सीधे नॉन स्टॉप मारेंगे लिंगराज टेम्पल, दैट इज इन भुवनेश्वर। Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. तो आप पीपली से सीधे आओगे, और फिर सीधे आने के बाद में आपको हार्डली 6-7 किलोमीटर के बाद में लेफ्ट लेना है टूवर्ड्स लिंगराज टेंपल। आपको वहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे आपको लिंगराज 2.3 किलोमीटर ऐसे दिखाएगा, तो मेक श्योर कि आप वो मोड मिस ना करना। भैया टू व्हीलर पार्किंग कहाँ मिलेगा? टू व्हीलर पार्किंग उधर है, उस साइड है। अच्छा अच्छा उधर बोल, तो टू व्हीलर पार्किंग अभी वो बोल रहे हैं कि इतना फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ पे उन लोगों ने एक एरिया देके रखा हुआ है जहाँ पे बोर्ड तो लगा है टू व्हीलर पार्किंग का, तो वी विल पार्क हेयर ओनली। सो गाइस वी हैव रीच्ड टू लिंगराज टेंपल, अभी हम लोग देखते हैं एंट्री वगैरह कहाँ से है, और टू व्हीलर का पार्किंग आप देख सकते हो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। वैसे पार्किंग का स्पेस कुछ ये लोग बोल रहे हैं कि बन रहा है, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक फिलहाल के लिए इन लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखा है, एंड ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रहा है टेंपल में, देखते हैं आगे। और आई डोंट नो वेदर कैमरा एंड मोबाइल्स आर अलाउड और नॉट, बट लेट्स सी। सो गाइस दर्शन हो चुके हैं, और मोबाइल फ़ोन्स कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाया।
तो यहाँ पे हम लोगों ने, आप जो टेंपल पीछे देख रहे हो ये लिंगराज टेंपल है, और विद इन 2 किलोमीटर्स आपको यहाँ पे केदार गौरी, सिद्धेश्वर और मुक्तेश्वर टेंपल 2 किलोमीटर्स के अंदर रेडियस में आपको ये चारों टेंपल कवर हो जाएंगे। आप अपनी बाइक कार वगैरह आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, या आपको आगे लेके जाना है जो ये बाकी के 3 टेंपल हैं केदार गौरी, सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर, आपको वहाँ पे भी पार्किंग मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है ही, आप या तो इधर पार्क करके चले जाओ वॉक करके, या आप उस गाड़ी से ही जा सकते हो। सो गाइस कुछ ऐसा है, अभी टाइम हो रहा है, अभी 3:30 बज चुका है और अभी हम लोग को उदयगिरी केस कवर करना है। तो बस यहाँ से थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद में यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर वो कवर करने के बाद में उदयगिरी, और फिर हम लोग जाएंगे कोणार्क टेम्पल में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन फिर वी विल हेड टुवर्ड्स चंद्रभागा बीच। तो चंद्रभागा बीच में जो सनसेट बहुत अच्छा होता है, तो बहुत अच्छे से वो दिखता है वहाँ पे सनसेट। तो हम लोग को ये बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ, आप सनसेट अगर देखना है तो चंद्रभागा बीच में ज़रूर पहुँच जाना, 5:30 बजे के अप्रॉक्स पहुँच जाना। लेकिन यहाँ पे सनसेट के लिए सन ही नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा सा बारिश टाइप का है। तो देखते हैं सनसेट मिलता है तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, आपको मैं बाकी का अपडेट दे दूँगा आगे चल के। सो बस थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ से निकलते हैं। और गाइज अगर आप यहाँ आते हो तो आप आगे जाओगे जैसे केदार गौरी, सिद्धेश्वर और सिद्धेश्वर, तो उसके बीच में आपको एक बेकरी टाइप का मिलेगा, तो वहाँ पे रबड़ी लस्सी, तो वो ज़रूर ट्राई करना। रबड़ी लस्सी काफ़ी अच्छा फेमस है यहाँ पे और टेस्ट में एक नंबर है। चलो जी, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 4:15, और हमको सुनने में आया है कि कोणार्क टेंपल 5 बजे बंद हो जाता है, 5 बजे मतलब टिकट देना बंद कर देते हैं वो लोग, बाकी जो अंदर गया रहता है उनको वो लोग कुछ नहीं करते, बस ये है कि नए लोगों को अंदर घुसने नहीं देते 5 बजे के बाद। 40 रुपये कुछ टिकट लगता है कोणार्क टेंपल जाने का, तो वो टिकट देना बंद कर देते हैं। तो अभी हम लोग जाते जाते यहाँ से, क्योंकि कितना 50 किलोमीटर कुछ है कोणार्क लिंगराज से, तो हमको जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, और अभी 4:15 ऑलरेडी हो चुका है, तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा पहुँचना वहाँ पर 5 बजे के पहले। तो हम लोग को आज कोणार्क टेंपल हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो आज हम लोग उदयगिरी और खांडवा केव्स कवर करेंगे। कल हम लोगों ने चिलिका लेक जाने का प्लान किया है, तो देखते हैं चिलिका जाएंगे या तो कोणार्क टेंपल, इन दोनों में से एक जा पाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ से अब हम लोग सबसे पहले उदयगिरी केव्स जा रहे हैं, जो कि 7 किलोमीटर्स है, 20 मिनट लगेगा हमको पहुँचने में। तो गाइस ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप, हम लोग एक्चुअली लेट निकले घर से, आप थोड़ा टाइम से निकलो, मॉर्निंग में निकल जाओ, तो ये चारों टेंपल कवर करके आप सीधे चले जाओ कोणार्क टेंपल से होते हुए आप चले जाओ चंद्रभागा बीच, वहाँ पे आप सनसेट देख लो, और अगले दिन आप चिलिका लेक का प्लान कर लो। तो ये कुछ प्लान आप कर सकते हो। सो वी आर अबाउट टू रीच खंडागिरी एंड उदयगिरी 2 मिनट में। तो गाइस यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना है, और एक टिकट 25 रुपये की आती है। तो एक उदयगिरी और गाइड नहीं सर, ठीक है। तो आप यहाँ आओगे तो अगर आप गाइड करना चाहते हो तो गाइड भी रहेंगे, तो आप उनको कर सकते हो, 20-30 रुपये को चार्ज करेंगे आपसे, तो वो आप अगर चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ भी खाने पीने का आइटम कुछ भी मत रखना, और मुझे जो ट्राइपॉड और मोबाइल मैं पकड़ा हूँ ये भी मुझे बहुत सेफली पकड़ना पड़ेगा, पता नहीं यही छीन देना आ जाए वो।
गाइस उदयगिरी केव्स हम लोग देख के आ चुके हैं, खांडवा केव्स भी यहाँ पर है, बट खांडवा केव्स हम लोग नहीं गए क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है तो इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अभी हम लोग का प्लान ये है कि वी आर गोइंग बैक टू गोल्डन बीच और फिर वहाँ पे थोड़ा सिटी में हम लोग को शॉपिंग वगैरह करना है तो वो एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग करेंगे, बाकी फिर उसके बाद में रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे का प्लान आपके साथ में मैं कुछ ही टाइम में शेयर करता हूँ।